वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वुड टॉय बना के दिखाऊंगा वुड लेथ की मदद से। दोस्तों इन टॉय की सबसे बड़ी खास बात यह है, जो उनसे इसके ऊपर कलर कर रखे हैं, ना तो हमने इनके ऊपर लेकर कर रखा है, ना हमने डिको पेंट कर रखा है, ना हमने इनके ऊपर एनेमल पेंट कर रखा है। इसको मैं इसके ऊपर जो उनसे हमने कलर कर रखे हैं, ये ऑर्गेनिक कलर है। जैसे हमारे इंडिया में ऑर्गेनिक खेती वगैरह होती है, जो उनके फल फ्रूट होते हैं काफ़ी यानी कि महंगे होते हैं, तो इसी तरीके से ये कलर है। दोस्तों ये कलर इसलिए किए जाते हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए, जैसा बच्चा हमारा हाथ वगैरह लगाता है टॉय में, क्योंकि उसको एलर्जी वगैरह ना हो। दोस्तों इंडिया में तो इसकी यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है और विदेशों में भी इसकी डिमांड है। दोस्तों इसके अंदर कम से कम 12 कलर आते हैं, वो आप जो सा मर्जी इसमें तैयार कर सकते हैं कलर, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और दोस्तों जो सी इसकी शाइनिंग इतनी जबरदस्त है, यानी कि विदाउट लेकर विदाउट पीओ के बगैर दोस्तों इतनी शाइनिंग आप देख के दंग रह जाओगे। ना तो ये जो से कलर है, ये मैं आपको कलर दिखाता हूं, ना तो ये स्प्रे किए जाते हैं, ये स्टिक का कमाल है, यानी कि लगाते साथ ही एकदम ड्राई हो जाते हैं। और दोस्तों जो सा इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 5000 का रखा, वो मुझे पता, सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इस वाली वुड लेथ मशीन से यानी कि महीने के आप ज़्यादा नहीं तो 40 से 50 हज़ार का आप इससे काम कर सकते हो। जैसे कोई भी छोटा सा रूम ले लो 5x5 का भी, उसके अंदर आप वुडन के टॉय वगैरह बना के मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों ये मशीन की जो सी ये मशीन बनाते हैं, ये TL पाठक वाले हैं। और दोस्तों इनका जो सा है सबसे यानी कि बिग यानी कि मशीनों में गिने जाते हैं, ये कलकत्ता में इनकी इंडस्ट्री है TL पाठक के नाम से। और दोस्तों अगर किसी को ये परचेज वगैरह करनी तो सामने स्क्रीन पर आपको इनके प्राइस वगैरह नज़र आ रहा होगा, तो कस्टमर केयर भी नंबर नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों ये विदाउट GST और विदाउट ट्रांसपोर्ट के हैं, जिनसे पैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आप कहीं साल डेढ़ साल बाद देखोगे इस वीडियो को, तो हो सकता है रेट इनके अप ही होंगे, डाउन तो हो नहीं सकते। चलो मैं आगे के आपको कलर इसके करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको इसमें कलर करके दिखाऊँगा। दोस्तों ये यानी कि ऑर्गेनिक कलर है, जिसको मैं करूँगा, आप देखना ये एकदम लगाते साथ ही एकदम ये ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे।
दोस्तों जो उनसे फिनिशिंग आ रही है ये केवड़े का फूल होता है, ये उसका पत्ता है, हल्का सा इसको गीला करके फिर लगाया जाता है, यानी कि इसमें फिनिशिंग बड़ी। अब आप देख रहे हो थोड़ा सा ये रह गया, इसको करते हैं। दोस्तों ये देखिए इसमें फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त आई है, ये यानी कि सारी ज़िंदगी लाइफ टाइम तक ये कलर ऐसे रहेगा, और यानी कि ऑर्गेनिक कलर है, इनका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको परचेज करने हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं इसको फाइनल करता हूँ। दोस्तों ये देखिए कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आई है इसके अंदर। अभी मैं इसके अंदर कील भी लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कलर एकदम ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल एकदम। ये देखो नेचुरल टीक का भी कलर आ गया इसके अंदर, बाकी ग्रीन हो गया, ये हमने रेड किया, ये हमने ब्लू किया, ये हमने ऑरेंज कलर किया। ये देखिए फिनिशिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त। दोस्तों छोटा मोटा कारोबार कोई भी आप इसको लेथ मशीन से लेके कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर कील लगाते हैं। दोस्तों लट्टू हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इसको चला के देखेंगे, पुराने दिनों की एक बार याद ताज़ा कर लेते हैं, पता नहीं चलेगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास स्पेस भी कम है। दोस्तों मेन लट्टू की बात नहीं, मेन है इसके कलर की बात। जैसे मैंने बोला था ऑर्गेनिक कलर है ये। अगर दोस्तों किसी को परचेज वगैरह करनी है तो कमेंट सेक्शन में जाके आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो फिर मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ से परचेज करने। चलो इसको थोड़ा चला के देख। दोस्तों इसके ऊपर पहले हम रस्सी लपेट लेते हैं, फिर उसके बाद चलाएँगे। पंजाबी में तो हम इसको जब छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं हम इसको बोलते हैं सेबा बांध लेते हैं। ट्राई करके देख रहे एक बार चलता है कि नहीं। तो लट्टू देखते हैं फेंक के कैसे चलता है कि नहीं। दोस्तों बचपन की यादें ताजा हो गई एक बार। मुझे नहीं पता था कि 30 या 35 साल बाद मैं खुद ही लट्टू बना के चला के दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जब हमारी गली में कारपेंटर आते थे हम उनके पीछे पीछे भागते थे, यार लट्टू बना दे लट्टू बना दे। ये देखिए दोस्तों वुड लेथ के बारे में मैंने सारा बता दिया, कहाँ से आपको परचेज करनी है, तो आप इससे महीने का कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।